ये आप देख सकते हो। गाइज मैंने आपको पूरी फैक्ट्री दिखा दी है, एक एक चीज देख लिया। वो बंदे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पे छुपे है सही बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे वो बंदे एक बार भी नहीं दिखाई दिया कहाँ पे, बस मुझे फैक्ट्री में कैप्चर हुआ ऊपर छत पर, उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप चीजें नोटिस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये देखना, ये देखो ये चीज देखो आप, ये देखो इंजेक्शन गाइस, ये देखो ये क्या चीज है, ये आप कमेंट करके बता देना क्या चीज है। ठीक ये देखो, ठीक ये चीजें देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, कुछ तो कुछ ना फैक्ट्री के अंदर चल रहा है, बहुत गंदा काम चल रहा है यहाँ पे। अब मैं बता नहीं सकता क्या क्या चल रहा है, जो भी मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ वो रियलिटी है। ये देखो गाइज, जितनी देर इस फैक्ट्री में मैं रहा हूँ अभी तक तो मेरे दोस्त आए नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक आज पता चल चुका है कि मुझे इस फैक्ट्री के अंदर अकेले को रात गुजारनी ही पड़ेगी। ठीक ऐसे ना अंदर से ना भय पर आप, जैसे कि मैं आपको बताऊँ अंदर से डर लग रहा है। ठीक मैं आपको, आप मेरी, मैं आपको बताता हूँ जो अभी मुझे फीलिंग आ रही है ना, आप मेरी जगह इस फैक्ट्री के अंदर अकेले होते तो आपको पता चलता है मैं कैसा डर रहा हूँ, कैसे मुझे डर का आज एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार आज डेविल ने खुद ने कहा है कि तू तेरे भाई को बचा सकता है तो पूरी रात फैक्ट्री रुक जाना, तेरा भाई मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पूरी रात रुकना पड़ेगा, एक सेकंड भी मैं अपने कैमरे को बंद नहीं कर सकता। 12 या 13 घंटे की वीडियो बन जाएगी, सुबह के 12 बजे तक मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, 12 नहीं तो 8 बजे तक रुकूंगा, तो भी ये लमसम वीडियो आप मान चलो 10 घंटे या ज़्यादा मिनट की बन जाएगी। इस वीडियो के गए कौन है सामने, देखो गई मैं यहाँ पे जिंदा रहा या ना रहा फ्यूचर में, आज आप मुझे वीडियो में देख रहे हो, कल मेरी वीडियो आए या ना आए, या मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ अपने भाई को बचाते बचाते, क्या पता आज कुछ भी हमारे साथ हो जाता है या हम दोनों भाई इस दुनिया में ना रहें। तो गई मैं आप लोगों को बस यही कहना था, देखो मैं रोऊंगा नहीं आपके आगे, मैं रो नहीं सकता क्योंकि आज मैं आपके आगे रोऊंगा तो डेविल इस टॉपिक पर हम लोगों पे हंसेगा। ठीक मैं रो नहीं रहा, मेरी आंखों में आंसू है ही नहीं, 1% भी मेरे आंखों में आंसू नहीं है। मैं आपको लोगों को बता दूं, दिल पे पत्थर रख के मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ मैं रो नहीं रहा। ठीक रो नहीं रहा मैं आप लोगों को पहले बता दूं मैं रो नहीं रहा हूँ। बस ये बात है, बस एक बार ही डेविल सामने आ जाए मैं उससे बात कर लेता तो उसके पाँव पकड़ लूँगा, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दे। जितनी भी देर मैं यहाँ पे हूँ 12 घंटे या 10 घंटे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, जब तक दिन नहीं उग जाता जब तक मैं आपको एक ही चीज़ें दिखाता रहूँगा। हाँ आप लोगों को लगता होगा कि यार ये हमारा टाइम ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो गाइस मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, जिनको विश्वास है मेरे साथ क्या हो रहा है इस फैक्ट्री के अंदर। मैं बैठा हूँ अभी, देखो गाइस यहाँ पे ना इस फैक्ट्री के अंदर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, सांप भी है बिच्छू भी है सब है। ठीक तो भी मैं इसी जगह पे बैठ के अपने भाई को इंतज़ार कर रहा, अपने भाई का डेविल आए बताए। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोई बंदे फैक्ट्री के अंदर, देखो आवाज़ आई ना, एक साउंड हुआ है आवाज आने का, मैं बस कोई असर है, कौन है मेरी 64 कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, किसी की ना हंसने की आवाज मुझे सुनाई दी है, किसी की हंसने की आवाज मुझे सुनाई दी है, तो इससे मैं कन्फर्म हूँ कि डेविल या डेविल के कोई दोस्त यहाँ पे छुपे हुए हैं जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, या वो सामने नहीं आ रहे हैं।
या वो कोई काला जादू करे, जैसे कि मैंने अंदर जाके आपको दिखाया वहाँ पे दीपक पड़े थे, भगवानों की फोटोएं पड़ी थी, कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक, मैंने आपको एक एक चीज़ें दिखाई है, बाकी आप लोगों को लगे कि यार हमें एकदम ही तेरे पे ट्रस्ट है नहीं, विश्वास नहीं है, तो गाइस इसका तो कोई इलाज है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं अपने भाई को बचाने के लिए आया हूँ और अपने भाई को बचा के यहाँ से जाऊँगा। ठीक, मैंने अपने भाई को बचा लिया है, या गाइस मैं अपने भाई को ना बचा पाया तो इसी फैक्ट्री के अंदर मैं फांसी लगा लूँगा। ठीक, और ये वीडियो चलती रहेगी, कोई बंदा या मेरे कोई दोस्त आएगा तो मेरा कैमरा लेके ये वीडियो अपलोड कर देगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ फटेगा, इससे अच्छा है मैं डेविल के हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद मर जाऊँगा। ठीक, हमने ये काम गलत किया, हॉन्टेड लैंड में हम गलत आए आए हमारा डेविल के साथ में गलत हुआ, मैं सब मानता हूँ हमारी गलती, हम हाथ जोड़ के मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज मेरा भाई मुझे नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे फांसी लगा के सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। ओके, अभी मैं खड़ा होके और ढूंढ लेता हूँ, बाकी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम बता देता हूँ, अभी 1:10 हो चुके हैं। ठीक है, अभी टाइम बता देता हूँ, 1:10 हो चुके हैं। ठीक, एक एक टाइम आपको नोटिस करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान लगे कि कुछ समय मैंने यहाँ पे कैसे बिताया। ठीक, अभी मेरे जो पाँव हैं, 1 घंटे से मैं इसको घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो पाँव की हालत ऐसे हो चुकी है कि मैं से भी खड़ा नहीं हो जा रहा, और ऊपर से इतनी टेंशन है दिमाग के अंदर, एक एक पल में डर लग रहा है, अभी तक अकेला हूँ यहाँ पे, कोई भी मेरा फ्रेंड अभी तक यहाँ पे नहीं आया। मैं एक एक चीज़ें आपको दिखाई जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो गाइस, कुछ भी हो जाए यार, देखो कौन है, गई जी देखो गई, जब हालत ना मैं आपको सही बताता हूँ, मेरी हालत है ना एकदम ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी श्रद्धा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी कोई भी श्रद्धा नहीं है कि मैं यहाँ पे चल पाऊँ, क्योंकि ये माचा बैठा है, क्योंकि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मेरी बात सुनो आप लोग, मेरा ना जो सांस है वो बहुत ज़्यादा फूल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल बोल के जो हालत हो रही है ना वो बहुत, कौन है गाइस, पानी के अंदर आवाज़ आ रही है, ये देखो जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा था ना तो पानी के अंदर से आवाज़ें आई है, कौन है आप, जो भी हो वो सामने आओ, कौन है इधर गाइस, मेरा ना सांस है वो बहुत ज्यादा फूल रहा है और यहाँ पे मुझे आवाजें तक सुनाई दे रही है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे अभी आवाजें तक सुनाई दे रही है, जैसे कि पानी के अंदर, पानी के ना, ये पानी मैं आपको दिखा दूँ, पानी ये देखो, इस पानी के अंदर किसी ने भी हलचल की थी। ठीक, और ऐसे लगा पीछे से कोई कोई निकल के गया ऐसे लगा मुझे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डेविल ने किसी को अपने, अरे वो पानी के अंदर फिर से आवाज़ आई है, ये देखो
पानी के अंदर फिर से आवाज़ आई है। अब आप ये चीज़ें नोटिस करो कि पानी के अंदर आवाज़ें कैसे।